ओम साई राम। मैं दर्शन शर्मा सैया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साइंस चरित्र प्रसंग में आज हम बायजाबाई की सेवा का वर्णन करेंगे। जी हाँ, बायजाबा, बायजा माँ, बायजाबाई साईं बाबा की माँ थी। माँ, माँ वो माँ जिसने सर्वप्रथम साईं बाबा को बाल योगी के रूप में देखा और कहा बेटा, ये रिश्ता बन गया माँ और बेटे का। तब से एक नियम बन गया, बायजाबाई ढूंढ ढूंढ के दोपहरी में साईं बाबा को भोजन कराती थी। कहाँ हो, भोजन क्यों नहीं करते, भूखे पेट प्यासे भूखे बस घूमते रहते हो जंगलों में लोगों की भलाई के लिए। माँ हल्का हल्का नाराज होती और साईं बाबा हल्के हल्के मुस्कुराते और वहीं बैठ जाते। बायजा माँ कहती, अब बैठ जाओ। एक बड़ा सा पत्तल बिछाती और उस पर पूरा भोजन परोस देती और कहती, अब खा लो जल्दी जल्दी। साईं बाबा भोजन करते और भोजन करने के पश्चात बायजा माँ अपना लौट जाती और साईं बाबा लोगों की भलाई में लग जाते। तांतिया कोते बायजा माँ बायजाबाई के बेटे थे। और बायजाबाई हमेशा कहती थी, हमेशा साईं बाबा को एक ही बात कहती थी कि तांतिया कोते तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें बड़े भाई के सारे फर्ज अदा करने हैं। ये मत सोचना कि तांतिया कोते अकेला है, नहीं, तुम उसके भाई हो, उसे तुम्हें ही आसरा देना है। साईं बाबा मुस्कुरा देते थे क्योंकि साईं बाबा जानते थे कि बायजाबाई तांतिया कोते मुझे परिवार की तरह प्रेम करते हैं, परिवार की तरह मुझे रखते हैं, भोजन कराते हैं, हर त्योहार पे मुझे घर बुला के माँ सम्मान देती है कि मेरा बड़ा बेटा साई आया है। साईं बाबा के प्रति तांतिया कोते और बायजाबाई की बहुत ही निष्ठा थी, बहुत निष्ठा, विश्वास। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे तांतिया कोते साईं बाबा से। साईं बाबा मस्जिद में बैठते थे और मस्जिद में बैठते हुए सबसे अहम चीज होती थी द्वारका माई मस्जिद में बैठते हुए भी माँ भोजन लेके आई। क्यों, अब उन्हें वो जंगल में जाना नहीं पड़ता था। साईं बाबा ने सोचा कि माँ जंगल में भटकती है, बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग है, मेरे कारण माँ जंगल में जाती है, इससे तो अच्छा है मैं द्वारका में ही मस्जिद में ही बैठूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा पांच घरों से भिक्षा लेते थे, नियम था पांच घरों से भिक्षा लेना, फेरी लगाना, गांव में दुख सुख पूछना। परंतु साईं बाबा का जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था, जी हाँ, वो था बायजाबाई, बायजा माँ के घर जाना, प्रतिदिन भोजन करना, या बायजाबाई आकर कराते थे। अब उनका नियम हो गया द्वारका माई मस्जिद में भोजन कराना। एक सबसे अच्छी बात जो इस प्रसंग में है वो ये है कि बायजाबाई ने जो नियम आज से बहुत पहले शुरू किया भोजन कराने का, वो आज तक चल रहा है। परिस्थिति जो भी रहे, समय अनुसार बायजाबाई उस चीज को
भोजन कराने को पूरा करते थे। जंगल में जाती तो पत्तल बिछा के सारा भोजन परोस देती, साग सब्जी रोटी कटी प्याज। बाबा जी प्यार प्यार से खाते, खूब प्रेम से खाते थे। जी हाँ, ऐसा ही प्रेम था हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज के प्रति, तांत्या पोते और बायजाबाई का। ईश्वर के समान उन्हें मानते थे और कहते थे कि देवा तुम ही हो हमारे, अब बस आप ही के भरोसे हैं। जी हाँ, बड़ा शब्द बड़ी बात, पर साईं बाबा ने भी हमेशा उनका साथ दिया, हमेशा निभाया है। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा साईं म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी हाँ, खुश रहें, मस्त रहें। ओम साईं राम।